नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मधुबनी मामले में बिहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बिजली उपभोक्ताओं को पहले की तरह ही सब्सिडी देगी बिहार सरकार। बिहार में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी एक बार फिर की गई रद्द। रुपेश सिंह मामले में आमने सामने की गई पुष्कर और सौरभ से पूछताछ। एसएससी जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा की आंसर की हुई जारी। तो चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। बिजली उपभोक्ताओं को पहले की तरह ही सब्सिडी देगी बिहार सरकार। बीते दिन आयोजित कैबिनेट बैठक में बिहार सरकार ने अहम फैसला लिया है, जिसके तहत बिहार सरकार के ताजा आदेश के अनुसार बिहार के 1.5 करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को सरकार की तरफ से दिए जाने वाले सब्सिडी का लाभ मिलने वाला है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग की ओर से दिए गए फैसले को नीतीश सरकार ने बरकरार रखा है। सरकार ने फैसला किया है कि बिजली कंपनी जितना अनुदान वित्तीय वर्ष 2020-21 में दे रही थी, उतना ही वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी देगी। उपभोक्ताओं को अनुदान देने के लिए राज्य सरकार 6,043 करोड़ रुपए खर्च करेगी। हालांकि सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि इसके लिए बिजली उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई दर से बिजली बिल चुकाने होंगे। इसके साथ ही किसानों और ग्रामीण उपभोक्ताओं को पहले की तरह ही राहत दी जाएगी। बिहार में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी एक बार फिर की गई रद्द। बिहार में कोरोना अपना फन फैलाता नजर आ रहा है। मामलों में अब काफी तेजी से वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसके बाद अब बिहार सरकार ने अहम निर्देश जारी किया है, जिसके तहत सरकार ने आने वाले 31 मई तक बिहार में काम करने वाले सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी है। इसके साथ ही बिहार के सभी प्रखंडों में क्वारंटीन सेंटर बनेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि देश के अन्य राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से फैल रहे हैं, उन राज्यों से बिहार के लोगों के वापस आने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रखंड स्तर पर क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था तैयार रखें। देश में कोरोना के मामलों में हो रही है रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी। देश में कोरोना के आंकड़ों ने फिर से डराना शुरू कर दिया है। मामलों में हो रही वृद्धि के कारण स्वास्थ्य विभाग अब चिंता में नजर आ रहा है। देश में इस मामलों ने बीते सारे रिकॉर्ड को ही तोड़ दिया है। बीते 24 घंटे में अब तक सर्वाधिक रिकॉर्ड बढ़ोतरी के साथ कोरोना संक्रमण के 1,15,736 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 630 मरीज कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,28,01,785 पहुंच गए हैं और कोविड से जान गंवाने वालों की संख्या 1,66,177 पर पहुंच गई है। राजकीय पॉलिटेक्निक और ग्लोबल सोर्सिंग इंडिया के बीच हुआ समझौता। बीते दिन विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के मंत्री सुमित कुमार सिंह की उपस्थिति में राजकीय पॉलिटेक्निक और ग्लोबल सोर्सिंग इंडिया के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि वेल्डिंग टेक्नोलॉजी में छात्रों को ट्रेन किया जाएगा व उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान जीई ग्लोबल सोर्सिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एचआर हेड एशिया पैसिफिक साजिद इकबाल और नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पटना के प्राचार्य डॉ. चंद्रशेखर सिंह के द्वारा एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। ज्ञात हो कि सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के अंतर्गत 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत सभी पॉलिटेक्निक संस्थानों में उद्योग आधारित मांग के अनुरूप विभिन्न विधाओं में सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित किए जाने का राज्य सरकार का निर्णय है। इसी को लेकर यह एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है। रुपेश सिंह मामले में आमने सामने की गई पुष्कर और सौरभ से पूछताछ। इंडिगो मैनेजर रुपेश सिंह के मामले में पुलिस के हाथों तीसरा आरोपी भी लग गया है। हालांकि इस तीसरे आरोपी को पकड़ने में बिहार पुलिस असमर्थ थी। तीसरे आरोपी पुष्कर ने खुद ही कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद बीते दिन रिमांड पर लिए गए आरोपित सौरभ कुमार और पुष्कर उर्फ छोटू से आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। खबरों की माने तो पुलिस ने दोनों से कुल मिलाकर 12 सवाल पूछे, जिनमें दोनों मुख्य आरोपित ऋतुराज से कब मिले, वारदात के बाद कहां गए और पकड़े जाने तक कहां कहां छिपे, इस बात की जानकारी ली गई। जिसके बाद दोनों ने रोड रेज में ही रुपेश सिंह की जान लेने की बात को स्वीकार किया है। इसके साथ ही इस मामले में ऋतुराज के ही मास्टरमाइंड होने की बात कही गई है। एसएससी जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा की आंसर की हुई जारी। कर्मचारी चयन आयोग की जूनियर इंजीनियर भर्ती 2020 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा की आंसर की बीते दिन अपलोड कर दी गई है, जिसको लेकर आधिकारिक वेबसाइट पर उसे अपलोड कर दिया गया है। जिसके बाद अब जो उम्मीदवार इस आंसर की से संतुष्ट नहीं है, वो 9 अप्रैल की शाम 6 बजे तक ऑनलाइन अपनी आपत्ति को दर्ज करा सकते हैं। यह परीक्षा 22 से 24 मार्च तक पूरे देश में आयोजित की गई थी। मध्य क्षेत्र के तहत उत्तर प्रदेश व बिहार के 17 शहरों में 1,29,061 अभ्यर्थी ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। परीक्षा 2 पालियों में 10 से 12 और 2 से 4 बजे तक हुई थी। पूरे देश में 6,57,638 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में
भाग लिया था, जिनमें से 1,39,061 यानी कि 19.62% मध्य क्षेत्र में पंजीकृत हैं। स्टेट बैंक गबन के मामले में सीबीआई ने बिहार और झारखंड में की छापेमारी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लखीसराय शाखा से जुड़े करोड़ों रुपए के गबन के मामले हाल ही में सामने आए हैं, जिसके बाद से सीबीआई भी इस जांच में नए सिरे से छानबीन करने में जुट गई है। यही कारण है कि बीते दिन सीबीआई ने बिहार झारखंड के 7 ठिकानों पर छापेमारी भी की है। बिहार में जहां पटना, गया, नालंदा, बेगूसराय में बैंक के तत्कालीन अफसरों से जुड़े ठिकानों की छानबीन की गई है। इसके साथ ही झारखंड के साहिबगंज में भी तलाशी ली गई। जानकारों की माने तो लगभग 3 करोड़ के गबन के घंटों चली छापेमारी में कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। वहीं इस मामले को लेकर सीबीआई की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार लखीसराय में एसबीआई की करेंसी चेस्ट है, वहां कटे फटे नोट बदले जाते हैं, इन्हीं नोटों को बदलने में हेराफेरी की गई है। बिहार में कोरोना वैक्सीन और एंटीजन किट की होने लगी किल्लत। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके बाद जो भी लोग अब तक संक्रमण की चपेट में नहीं आए हैं, वो लोग वैक्सीन लेने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसका नतीजा ही है कि अब कोरोना टेस्ट के लिए प्रयोग होने वाले एंटीजन किट और वैक्सीन की कमी होने लगी है। टीका लगवाने अस्पताल गए कई लोग वैक्सीन नहीं होने के कारण मायूस होकर लौट रहे हैं। हालांकि कई लोगों का यह भी कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद प्राइवेट अस्पतालों में मनमानी भी शुरू हो गई है। इसके साथ ही बिहार सरकार की तरफ से हर दिन 1,00,000 जांच के लक्ष्य को पूरा करने का आदेश भी अधर में फंसा नजर आ रहा है। मधुबनी के चर्चित मामले में बिहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हाल ही में होली के दिन एक ही परिवार के 5 लोगों की जान जाने के मामले में सरकार लगातार घिरती नजर आ रही थी, जिसके बाद अब मधुबनी मामले में बिहार पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसके तहत पुलिस ने इस मामले में संलिप्त मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार मुख्य आरोपी नवीन झा की गिरफ्तारी की पुष्टि खुद मधुबनी पुलिस ने की है। बता दें कि इस नरसंहार में कुल 5 आरोपी थे, जिनमें से 4 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया जा चुका था। बिहार पुलिस ने अब तक 5 मुख्य आरोपी प्रवीण झा, नवीन झा, चंदन झा, मुकेश साफी और भोला सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है। महाराष्ट्र से आज से बिहार और यूपी के लिए चलाई जाएगी स्पेशल ट्रेन। कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत हो गई है, जिसके कारण कई राज्य बुरी तरह प्रभावित नजर आ रहे हैं, जिसके बाद से ही दूसरे राज्यों में रह रहे लोग अब तेजी से अपने घर की तरफ निकल रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए ही सेंट्रल रेलवे ने महाराष्ट्र से बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद इन स्पेशल ट्रेनों को पटना, दरभंगा और गोरखपुर के लिए मुंबई और पुणे से चलाया जाएगा। रेलवे की माने तो विशेष शुल्क पर पूरी तरह से रिजर्वेशन वाले ट्रेन नंबर 01093 के लिए बुकिंग का काम 7 अप्रैल से शुरू होगा। वहीं 01053, 01401, 01091, 01097 ट्रेनों की बुकिंग 8 अप्रैल यानी कि कल से शुरू होगी। रियल एस्टेट कारोबारियों पर रेरा ने बढ़ाई सख्ती। रेरा की नजर अब बिहार में रियल एस्टेट से जुड़े सभी बिल्डरों पर है, जिसके बाद अब बिहार रेरा ने सभी पंजीकृत प्रोजेक्ट्स को विकसित करने वाले बिल्डर को नोटिस जारी कर दिया है। यह नोटिस उन बिल्डरों को जारी किया गया है जिन्होंने आवेदन के हिसाब से प्रोजेक्ट पूरा करने की जानकारी दी थी, जिसके बाद अब ऐसे बिल्डरों को 30 अप्रैल तक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के साथ अथॉरिटी में जमा कराने को कहा गया है, जिसके बाद इस तारीख तक यदि बिल्डरों को संबंधित नगर निकाय की तरफ से प्रमाण पत्र नहीं मिलता है तो उन्हें जमा किए गए और धन की प्राप्ति रसीद के साथ उक्त तारीख तक एफिडेविट देना होगा। इसके साथ ही रेरा ने रियल एस्टेट एक्ट 2016 का हवाला देते हुए सभी बिल्डरों को उनके प्रोजेक्टों में एसोसिएशन के गठन की जानकारी भी मांगी है। बिहार के सभी जेलों में कैदियों से मुलाकात पर लगाई गई रोक। बिहार में सभी जेलों में बंद कैदी से अब उनके परिवारजन नहीं मिल पाएंगे। बिहार में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में सरकार लगातार सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील कर रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब बेउर जेल समेत सभी जेलों में कैदियों से मुलाकात पर रोक लगा दी गई है। हालांकि सभी कैदी अब मुलाकात का काम इंटरनेट के माध्यम से करने वाले हैं, जिसके बाद अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनका हाल लिया जा सकता है। रोजाना राजधानी पटना के बेउर जेल के 200 कैदी अपने परिजनों से ई मुलाकात कर सकते हैं। इसके लिए हर कैदी के 3-3 परिजनों का मोबाइल नंबर लिया गया है, इसका वेरिफिकेशन शुरू हो गया है। हालांकि नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ जेल प्रशासन ने भी सख्ती दिखाए जाने की बात कही है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से परेशान हुई बिहार भाजपा। बिहार में जल्द ही पंचायत चुनाव की शुरुआत होने वाली है, हालांकि तारीखों को लेकर अब भी मामला कोर्ट में अटका हुआ है। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर बिहार भाजपा की एक नई परेशानी सामने आई है, जिसके तहत बिहार के पंचायत चुनाव में पहली बार दमखम दिखाने को
तैयार। बीजेपी को राज्य निर्वाचन आयोग के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ने मुश्किल में डाल दिया है। जानकारों की माने तो भाजपा को इस बात से परेशानी हो रही है कि वो जिला परिषद में समर्थित उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार चुनाव में राजनीतिक दल को अपना झंडा तक पंचायत चुनाव में लहराने पर रोक लगा दिया गया है। ऋषभ पंत ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर कही अहम बात। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि आईपीएल में कप्तान के तौर पर पहले मुकाबले में धोनी के खिलाफ खेलने को लेकर काफी उत्साहित हूं। कप्तान के रूप में मेरा पहला मैच धोनी भाई के खिलाफ है। मेरे लिए यह अच्छा अनुभव होगा क्योंकि मैंने उनसे काफी कुछ सीखा है। एक खिलाड़ी के तौर पर भी मेरा अनुभव है। मैं चेन्नई के लिए कुछ अलग करने के लिए अपना निजी अनुभव और एमएस धोनी से मिली सीख का उपयोग करूंगा। आपको बता दें कि आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स अपना पहला मुकाबला चेन्नई के खिलाफ खेलने वाली है, जो कि 10 अप्रैल को खेला जाना है। ऋषभ पंत की बात करें तो बीते कुछ मैच से वो लगातार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। कोरोना के कारण साथ निभाना साथिया 2 की शूटिंग हुई बंद। कोरोना के कारण महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने सख्ती भी बढ़ा दी है, जिसके कारण ही अब कई सीरियल की शूटिंग इससे प्रभावित हो रही है। इसी क्रम में हाल ही में दर्शकों के बीच आई साथ निभाना साथिया सीजन 2 की शूटिंग को रोक दिया गया है, जिसके बाद शो के कलाकार परेशान हो गए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक शो को लेकर अफरा तफरी का माहौल है। कलाकारों को अभी नहीं पता है कि उन्हें कल शूटिंग के लिए आना है या नहीं। सीरियल में कनक देसाई की भूमिका निभा रही अभिनेत्री आकांक्षा जुनेजा ने कहा कि शहर में अचानक जो कुछ भी हुआ उससे मैं बेहद हैरान और दुखी हूं। हम अतिरिक्त शूटिंग कर रहे थे क्योंकि वीकेंड पर लॉकडाउन था। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार में कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बीच सरकार को स्कूल कॉलेज के अलावा क्या क्या बंद कर देना चाहिए। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।